हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी तो आप समझ ही चुके होंगे मेरे हाथ में क्या है ये देख के। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कुल्फ़ी। आप इसे मलाई कुल्फ़ी भी कह सकते हैं, केसर पिस्ता कुल्फ़ी भी कह सकते हैं, जो भी कुल्फ़ी कहिए, लेकिन ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो इस कुल्फ़ी को आप इजीली अपने घर पे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिए हुए बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करें। तो फ्रेंड्स, कुल्फ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए दूध। तो यहाँ हमने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। इसके लिए फुल क्रीम दूध ही लें। तो दूध हमने गैस पे गरम करने के लिए रख दिया है, तो इसको उबलने देते हैं। तो इसे पहले मीडियम टू हाई फ्लेम पे उबलने देते हैं। तो फ्रेंड्स, दूध में हमारे उबाल आने ही वाला है, तो अब हम इसमें से थोड़ा सा दूध निकालेंगे। ज़्यादा नहीं निकालना, बहुत ही थोड़ा सा दूध निकालना है। तो निकाल लेते हैं किसी भी बाउल में, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा केसर, और बस केसर डाल के इसको साइड में रख देंगे और दूध को अच्छी तरीके से उबलने देंगे। तो बीच बीच में इसको चलाते रहें। तो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ दूध में उबाल आ चुका है। गैस लो टू मीडियम फ्लेम पे कर दें। तो फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुके हैं दूध को उबलते हुए। अभी हमें इसे और गाढ़ा करना है, तो अब इसमें ऐड करेंगे दूध की मलाई 1/2 कप। तो ये दूध की मलाई है 1/2 कप, ये डाल देंगे। ध्यान रखें, दूध की मलाई एकदम फ्रेश होनी चाहिए, ज़्यादा दिनों की नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप मिल्क पाउडर। तो बस इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और जो दूध उबलते समय जो साइड में मलाई इकट्ठी हो जाती है, उसको हटा के हमें दूध में मिक्स कर देना है, जिससे कि दूध हमारा जल्दी गाढ़ा हो जाए। तो साइड की मलाई को भी हटा दें। तो फ्रेंड्स, ये देखिए दूध हमारा 1/2 क्वांटिटी में रह गया है। तो अब इसमें ऐड करेंगे हम केसर, जो हमने केसर दूध में भिगा दी थी वो डाल देंगे इसमें। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है कुल्फी में। मिक्स कर देंगे। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे शुगर। तो यहां मैं 1/2 कप शुगर डाल रही हूं। आप शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अगर आपको कुल्फी कम मीठी चाहिए तो कम चीनी डालें, और अगर ज़्यादा मीठी चाहिए तो ज़्यादा चीनी डालें, और इसे मिक्स कर देंगे। तो चीनी डालने के बाद हमें इसे 10 मिनट तक अभी और पकाना है। गैस लो टू मीडियम फ्लेम पे रखें और इसे बीच बीच में ज़रूर चलाते रहें। तो फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुके हैं दूध को उबलते हुए, और यहाँ हमने थोड़े से बादाम, काजू और पिस्ता तीनों को बारीक काट लिया है। पिस्ता हम यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पिस्ता डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है कुल्फ़ी में। तो सारी चीज़ों को डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। और जो साइड की मलाई है उसको भी इस तरीके से छुटा के दूध में मिक्स कर लेंगे। तो अब इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून, और इसे भी मिक्स कर देंगे। तो सारी चीज़ों को डालने के बाद हमें 5 मिनट तक दूध को और उबालना है। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट तक हमने दूध को अच्छी तरीके से और उबाल लिया है, और ये देखिए दूध हमारा यहाँ बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरीके का हमें दूध चाहिए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा दूध नहीं होना चाहिए, नहीं तो कुल्फ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं सेट होगी। तो इसी तरीके का हमें दूध चाहिए। तो गैस यहाँ हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये बहुत गाढ़ा हो जाएगा। तो इसलिए इसे एकदम ठंडा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी कुल्फी को सेट करेंगे। तो गैस हमने बंद कर दी है, ठंडा होने देते हैं इसे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं दूध हमारा यहाँ ठंडा हो चुका है और काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है। इसी तरीके की कंसिस्टेंसी हमें दूध की चाहिए, तो इसे साइड में रख देंगे। तो यहाँ मैं ले रही हूँ ये कुल्फी वाले मोल्ड। अगर आपके पास ये ना हो तो इसके बिना भी बहुत अच्छी कुल्फी बन सकती है। तो इसके लिए हमें चाहिए ये कॉफ़ी वाले जो कप हैं, ये मार्केट में आपको आसानी से अवेलेबल होगा। इसमें हम बहुत अच्छी कुल्फी बना के दिखाएंगे आपको, तो इसमें डाल देंगे। तो कॉफ़ी वाले कप आप छोटे साइज़ के, बड़े साइज़ के कैसे भी ले सकते हैं, ये डाल देंगे। तो इसको पूरा नहीं भरना है, थोड़ा सा खाली छोड़ देंगे। और दूसरे कप में हम थोड़े से डालेंगे कटे हुए वही ड्राई फ्रूट्स, जिससे कि जब हमारी कुल्फ़ी निकले तो उसमें वो ड्राई फ्रूट्स दिखें।
अब इसमें भी डाल देते हैं। तो इसका ढक्कन बंद कर देंगे हम। और जो हमने कॉफी वाले कप लिए थे इसे हम कवर करेंगे फॉइल से। इसे फॉइल से चारों साइड से अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। तो इसे हमने चारों साइड से अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, चाकू की हेल्प से इसके बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा कट लगाएंगे। ज्यादा नहीं लगाना, बिल्कुल छोटा सा लगाना है। और बस इस कट में हम बीच में जो ये आइसक्रीम स्टिक्स हैं ये इसमें डाल देंगे। और बस इस कुल्फी को हम रख देंगे फ्रीजर में 8 से 10 घंटे के लिए, जिससे कि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तो रख देते हैं इसे फ्रीजर में। तो फ्रेंड्स 8 घंटे हो चुके हैं और कुल्फी हमारी बहुत बढ़िया सेट हो चुकी है। तो अब इसे निकालते हैं। तो इसकी फॉइल निकाल लेंगे और इसमें से निकालने के लिए हल्का सा चाकू को इस तरीके से करेंगे, बिल्कुल अंदर इस तरीके से जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इसे हल्के हाथों से हम खींचेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया कुल्फी बनी है, लग रही है ना एकदम लाजवाब। तो इसे सर्व कर देते हैं। इसी तरीके से दूसरे कप वाली कुल्फी भी निकाल लेते हैं। इस तरीके से चाकू से हल्का सा करेंगे, बहुत ही आसानी से निकल जाती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ऐसे निकालना। ये लीजिए, तो अब ये वाली कुल्फी भी निकाल लेते हैं। इसे हमें ज़्यादा देर तक पानी में नहीं रखना है, सिर्फ 1 सेकंड के लिए रखना है, क्योंकि ज़्यादा देर के लिए रखेंगे तो कुल्फी हमारी मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए हल्की सी मेरी भी मेल्ट हो गई है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी बनी है खाने में। फ्रेंड्स देखा आपने कितनी बढ़िया कुल्फी बनके हमारी तैयार हुई है। तो इसी तरीके से आप एक बार अपने घर पे जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट लिख के बताएं कि आज की रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।